हेमा मालिनी दिखेंगी माँ के अवतार में? क्या करण जौहर होंगे फिल्म के डायरेक्टर? कौन होगी सलमान की हीरोइन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। करण अर्जुन 90 के दशक की सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक मानी जाती है। ऐसे में आज के समय में जहाँ रीमेक का जमाना है, तब इस फिल्म का रीमेक बनना तो तय है। और ये बात भी तय है कि मूवी के मेन रोल्स में सलमान और शाहरुख खान ही दिखेंगे। वहीं शाहरुख के ऑपोजिट काजोल देखने को मिल सकती है, पर सलमान के ऑपोजिट दिखी ममता कुलकर्णी ने तो फिल्म से काफी लंबे समय पहले ही संन्यास ले लिया। वो आखिरी बार 2003 में ही दिखी थी, उसके बाद वो किसी मूवी में नहीं नजर आई। ऐसे में एक नई एक्ट्रेस सलमान के ऑपोजिट देखी जा सकती है। सलमान के ऑपोजिट अच्छी केमिस्ट्री रखने वाली एक्ट्रेस में सबसे पहला नाम कटरीना कैफ का ही है। कटरीना और सलमान ने कई मूवी साथ में की है, जिसमें से सबसे दमदार उनकी टाइगर फ्रेंचाइजी रही है। अगर वो इस फिल्म में भी साथ में दिखते हैं तो फैंस के लिए एक ट्रीट ही होगा। करण अर्जुन मूवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, जो कि दो भाइयों की माँ का था, जिसे राखी गुलजार ने बखूबी निभाया था, उनके डायलॉग्स आज भी इंडस्ट्री में याद रखे जाते हैं और ऐसी एक्ट्रेस को रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जहाँ पहले के समय में एक्ट्रेसेस मेन लीड की बनना चाहती थी, वहीं आज के ज़माने में दमदार साइड रोल्स भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बाहुबली मूवी में शिवगामी का किरदार था, जिसे श्रीदेवी जी ने मना कर दिया था। पर इस मूवी में शिवगामी का रोल करने वाली एक्ट्रेस राम्या कृष्णन को इंटरनेशनल फेम मिला। ऐसे में सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के पार्ट 2 में मां का किरदार हेमा मालिनी निभा सकती हैं। हेमा मालिनी काफी लंबे समय से बड़े पर्दे पर तो नहीं नजर आई हैं, पर इंडस्ट्री में इनकी प्रेजेंस अभी तक कम नहीं हुई है। वो एड्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स का हिस्सा रहती हैं, इसीलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हेमा मालिनी इस रोल के लिए हाँ कहती है या नहीं। करण अर्जुन के पार्ट 1 को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था और राकेश रोशन की आखिरी डायरेक्टेड मूवी क्रिश 3 थी। उसके बाद उन्होंने कोई भी मूवी डायरेक्ट नहीं की है, पर ये तो पक्का है कि करण अर्जुन मूवी का रीमेक बनाया जाएगा तो उसके राइट्स अभी भी राकेश रोशन के पास ही रहेंगे। इसका मतलब है कि वो दोबारा इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, पर उसमें को डायरेक्टर की जगह भी तो हमेशा खाली रहती है। पर सोचने वाली बात है कि करण जौहर और राकेश रोशन के डायरेक्शन का अंदाज, दोनों का ही नजरिया और स्टोरी सिलेक्शन बहुत ही अलग है, और दोनों डायरेक्टर्स अपने आप में ही यूनिक अंदाज रखते हैं। ऐसे में क्लैशेस होना तो आम बात होगी, फिर भी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे दोनों डायरेक्टर्स एक कॉमन ग्राउंड पकड़कर एक मेगा ब्लॉकबस्टर को दोबारा कैसे डायरेक्ट करेंगे। क्या आप भी इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है अपूर्वा ने।